नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। देश इस समय दो तरह की बातों को समानांतर रूप से देख रहा है। पहली, टीवी डिबेट पर कही गई बात जो रिप्टल के तौर पर कही गई थी और कथित शिवलिंग को फव्वारा बताने पर कही गई और इस अंदाज में कही गई कि हम भी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इस पर बवाल इतना बढ़ा कि बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और केस दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, नूपुर शर्मा की बात का समर्थन करने वालों में कई लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई और दो की तो नृशंस हत्या तक कर दी गई। दूसरी, लीना मणिमेकलई की फिल्म काली का पोस्टर जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदुओं की आस्था के परम प्रतीकों में से एक मां काली को सिगरेट और एलजीबीटी का झंडा उठाए दिखाया गया जो सहिष्णु है। इसकी आस्था का क्या सिलसिलेवार तौर पर असम्मान किया जाता रहेगा और क्या इसके पीछे अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी जाती रहेगी? और जो धर्म के मामलों में जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, उनके बीच के कुछ लोग देश के कानून और संविधान को दरकिनार कर सर तन से जुदा की सोच को प्रत्यक्ष या परोक्ष बढ़ावा देंगे। लूडो, तांडव, पीके, असूटेबल बॉय, एक दुर्गा जैसी फिल्मों और वेब सीरीज हो या फिर शादाब चौहान, सयानी घोष, महुआ मोइत्रा वगैरह के बयान और ट्वीट हिंदू देवी देवताओं के लिए अमर्यादा और असम्मान का एक सिलसिला दिखाई देता है। सिलसिले की ये कड़ियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) अगर अभिव्यक्ति की आजादी देता है तो 19(2) के तहत आवश्यक अंकुश भी लगाया जाता है। अर्थ यह है कि आजादी निरंकुशता की इजाजत नहीं देती। अगर इस तरह की आजादी से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का डर हो, भावनाओं को चोट पहुंचाने का अंदेशा हो, देश की एकता अखंडता को खतरा दिखाता हो, राज्य की सुरक्षा पर आंच आती हो, देश के मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों पर प्रभाव पड़ता हो, नैतिकता और शालीनता का सवाल उठता हो या फिर किसी का मन आहत होता हो, तो वाजिब तौर पर इस आजादी पर भी अंकुश लगाने का प्रावधान है जिसके बारे में अब बात करना बेहद अहम हो गया है। देखिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले और साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ट्विटर को भी इस मामले में संज्ञान लेकर तत्काल इस तरह के कंटेंट हटाना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके बाद भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार वेब सीरीज के लिए कानून नहीं बनाती है, यहाँ तक कि कोई सेंसर बोर्ड नहीं बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सूटेबल बॉय से चालू हुआ विवाद आज यहाँ काली फिल्म तक आ गया है। और हर बार विवाद होता है, भाजपा के नेता विवादों में राजनीति करते हैं लेकिन कभी भी कानून बनाने की तरफ पहल नहीं करते हैं, यह भी नहीं होना चाहिए। इस दिशा में भाजपा कानून बनाए और जो भी धार्मिक भावनाएं आहत करें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई का समर्थन करती है। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ और कान खोल के सुन ले वो, कि हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के देवी देवताओं का अगर किसी ने भी मजाक उड़ाया तो वो बोलने की आज़ादी नहीं, वो लोगों के दिल को छूती है और लोगों के दिल पे कुठाराघात करती है, लोगों की भावनाओं को खराब करती है और हम वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो क्या सोचती है हिंदुस्तान के बारे में मुझे नहीं पता, उनके मन में क्या है, टीएमसी की सांसद के मन में क्या है मुझे नहीं पता, और भी बड़े बड़े नेताओं के मन में क्या है, पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में एक ही बात है, किसी भी धर्म के किसी भी देवी देवता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, उनका अभद्र दृश्य, उनकी अभद्र पेंटिंग अगर दिखाई गई तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस तरह के पोस्ट पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन आज तो होड़ लग गई है धर्म के आधार पर एक दूसरे के धर्मों को अपमानित करना। आखिर ये हो क्या रहा है देश में? आज अजीबो गरीब स्थिति है कि ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, एक दूसरे के मजहब पर सिर्फ तनाव और सिर्फ जहर बोया जा रहा है समाज में। ये खतरनाक है समाज के लिए, देश के लिए भी, और ये कट्टरपंथी सोच और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महुआ मंत्री द्वारा फिल्म काली के पोस्टर पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि गलतियों को सुधारा जा सकता है। एक तरह से
बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी ने उनके बयानों से सहमति नहीं जताई है और ये माना है कि उनका बयान सही नहीं है। देखिए, निसंदेह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने आपको दिया है, लेकिन इसकी एक लक्ष्मण रेखा है जिसका पालन सबों को करना चाहिए। किसी भी धर्म को मानने वाले लोग और उनकी आस्था का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए, और इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो राष्ट्रव्यापी तनाव उभरा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे ट्वीट या इस तरह के बयानों के जरिए देश का वातावरण विषाक्त करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। काली फिल्म को लेकर के महामंत्री का जो बयान आया वो भी विवादों के घेरे में आ गया है। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि गलतियों को सुधारा जा सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है उन्हें स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि वो देश से माफ़ी मांग लें। गलतियाँ किसी से हो सकती हैं, लेकिन जनता के समक्ष की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करना जनप्रतिनिधि का इससे मान नहीं घटेगा। से देखा जा रहा है पहली टीवी डिबेट पर कही गई बात जो रिप्टल के तौर पर कही गई और कथित शिवलिंग को फव्वारा बताने पर कही गई और इस अंदाज में कही गई कि हम भी ऐसा कह सकते हैं। इस पर बवाल इतना बढ़ा कि बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और केस दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं, नूपुर शर्मा की बात का समर्थन करने वालों में कई लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई और दो की तो नृशंस हत्या तक कर दी गई। दूसरी लीना मनी मेकलाई की फिल्म काली का पोस्टर जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदुओं की आस्था के परम प्रतीकों में से एक मां काली को सिगरेट और LGBT का झंडा उठाए दिखाया गया। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आईसिंह भदौरिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ENB न्यूज पर। कैप्टन आईसिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, एक तो सीधी सी बात यह है, अब अभिव्यक्ति की आजादी का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि आप किसी की भावनाओं को आहत करें। ये माहौल जो समय देश में बना हुआ है, क्या इस माहौल को हम नियंत्रण अब कर सकते हैं या बिल्कुल असीमित हो चुकी है अभिव्यक्ति की आजादी? पल्लवी जी, लोगों ने अभिव्यक्ति की आजादी का कुछ ज्यादा ही दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, मगर उन्हें यह मालूम नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी तो है मगर उसकी कुछ लक्ष्मण रेखा भी है। अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक है कि आपकी आजादी से दूसरे के कभी जो है ना अनहित ना हो, किसी को दूसरे को ठेस ना पहुंचे, किसी दूसरे देवी देवताओं के प्रति आपके मन से कोई ऐसे दुराचार शब्द ना निकले, तब तक आपकी आजादी है। मगर अब जो है लोग सोचते हैं कि उसने कहा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो हम भी कह देते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है मेरा और आपकी आवाज मुझे मिल रही है कैप्टन सिंह। कैप्टन आई सिंह, मुझे आपकी आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, उनको शायद आवाज नहीं मिल रही है। मुन्ना खान जी, आपको मिल रही है मेरी आवाज? मिल रही है पल्लवी जी। अब बताइए सर, इस तरह के माहौल में किस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा? जो अभी स्थितियां बनी हुई है ये तो अब मिलकर सुलझाने का वक्त है सर। तू मैं या अपनी राजनीति रोटियां सेकना, ये सब अब हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे सब लोग। पल्लवी जी, मैं कहता हूँ इसे किसी का भी फायदा नहीं होता, किसी भी राजनीतिक दल का फायदा नहीं होता, सिर्फ एक दल के सिवा। इसमें सीधा सीधा फायदा बीजेपी का है, बीजेपी का फायदा है, इसलिए बीजेपी इस पर कानून नहीं ला रही। मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स पर, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी भूल जाते हैं लोग। बोलने की स्वतंत्रता तो है लेकिन बोलना क्या ये भूल जाते। किसी भी भगवान के खिलाफ, किसी भी अल्लाह गॉड के खिलाफ अभद्र टिप्पणी चाहे ट्वीट के द्वारा हो, चाहे पोस्टर के द्वारा हो, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी तो जितनी निंदा की जाए, जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इन कामों में बीजेपी को बहुत मजा आ रहा है। बीजेपी इंटरेस्ट लेती रहती है,
मैं तो सारे कानून आ गए इनके, लेकिन इनके वो कानून नहीं है, कानून वो कानून जो बनना था इनका, जो समाज के प्रति, जो भाईचारा के प्रति, जो भगवान के प्रति बनना था, वो कानून नहीं आए। मैं कहता हूँ बीजेपी ये कानून कब लाएगी कि किसी भगवान के प्रति, किसी आदमी, किसी जात धर्म के आस्था के प्रति ठेस ना पहुंचे। ये कानून लाने चाहिए इसको, ये कानून तो है ना सर, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कानून तो बने हुए हैं पहले से। बात यह है कि उन कानूनों को सही ढंग से हम लागू नहीं कर पा रहे। बात यह है कि इस तरह के कानूनों का डर है किसे? सबको पता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, और खासकर एक धर्म विशेष के बारे में तो हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हमारा गला तो काटा नहीं जाएगा, तो इसलिए कानूनों का डर है किसे? खान साहब नहीं, मैं कह रहा हूँ ये डर दिखाने का काम जो सरकार इनको करना था वो क्यों नहीं कर रही? आर्यू बता दीजिए, ये डर दिखाने का काम उनका था। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। बताइए पल्लवी जी, बताइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसको दिखाना चाहिए था और किसको नहीं दिखाना चाहिए था। मैंने शुरुआत ही इस बात से कही कि हमें अब आपस में तू तू मैं करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से फुर्सत ले लेनी चाहिए और मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन आप बार बार उसे राजनीतिक लिहाज पर ही लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार क्या दिखाएगी कानून का डर सर, ये बताएं ना आप। ये तो आपके राज्य में भी हो रहा है, तो आप अपने राज्य में दिखा लेते कानून का डर। खान साहब आप पहले किसी और से बात कर लीजिएगा, उसके बाद चर्चा में शामिल होइएगा। बताइए भदौरिया जी। पल्लवी जी, आपने देखा होगा कि आज आज दिन तक किसी एक हिंदू ने किसी अन्य धर्म के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी करी हो तो आप एक हमें आप कोई वीडियो क्लिप बता दें। आज दिन तक किसी हिंदू ने नहीं करी है, मगर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर रोज वेब सीरीज बन रही है, फिल्म इंडस्ट्री तो इनके ऊपर सारा कुछ कर रही है, आम जनता में बीच में के जो सब क्वार्टर सेकुलर है वो जितने लेफ्टिस्ट है वो कर रहे हैं, मगर दूसरे धर्म पे ये क्यों नहीं करते? तो मैं यही कहना चाहूँ, कांग्रेस कांग्रेस के तो सुप्रीमो राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हिंदू लड़के तो मंदिर में जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, ये सब तो राहुल गांधी कहते। तो आप जिस पार्टी का सुप्रीमो इस तरह की बात करेगा, तो वो पार्टी अगर नैतिकता की बात करे तो ये बहुत बेईमानी होगा। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, एक बार कांग्रेस पार्टी, लेफ्टिस्ट और जितने वेब सीरीज और फिल्म वाले, एक बार आप जिस तरह से हिंदू देवी राहुल गांधी जी ने तो बीच में ना बोले सर, बीच में ना बोले। जब मैं आपसे सवाल कर रही थी तो आप कहीं और ही बातों में व्यस्त थे। अब रुक जाइए, अब एक एक रिएक्शन मुझे ले दीजिए पहले। बीच में बोलने से हमारे जो मार्ग है वो भटक जाते हैं, फिर आप कहोगे कि आप उल्टा पुल्टा बोल गए। तो पल्लवी जी कहने का मतलब ये है कि ये जितने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले हैं, एक बार मैं पैगंबर मोहम्मद का बहुत सम्मान करता हूँ, एक बार आप उन पर कुछ करके बता दो, एक बार उन पर इस तरह की फिल्म आप बना के दिखा दो, आप दूसरे दिन चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हो चाहे आप राजनीति हो, आपका गला काट दिया जाएगा। मगर उन्हें डर नहीं है कि हिंदू धर्म में कुछ भी कर दो कोई गला नहीं कटेगा। आज महुआ मित्रा ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें मालूम कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही शब्द आज वो पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कह दे, कल उनका सर अलग हो जाएगा। तो ये सर तन से जुदा करने की नई रीत चल पड़ी है ना हमारे देश में, आप मान रहे हैं ना ये बात कि अब ये नई रीत है और इस रीत का समर्थन करते हैं क्या? ये सिर्फ एक धर्म वाले ही कर रहे हैं, हिंदू धर्म वाले ने वो हमारे ही देश में रह रहे हैं सर, वो भी हमारे ही देश का हिस्सा है, वो भी इस देश में ही रह रहे हैं, तो वो जो करेंगे उससे नाम हमारे ही देश का या तो खराब होगा या बनेगा। तो बात तो यही कही जाएगी ना कि इस देश में नई रीत शुरू हो चुकी है। पल्लवी जी, आप एक चीज देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि आज दिन तक सिर्फ हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं का अपमान क्यों किया गया? मैं तो मान रही हूं, क्यों नहीं किया? मैं तो खुद ही कह रही हूं कि ये क्यों हो रहा है, ये बहुत गलत है, किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की जानी चाहिए। जी हो गया। चलिए मैं लौटती हूँ कैप्टन सिंह आपके पास। इंदुकांत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है।
मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, ये हो क्या रहा है? देखिए, जो लीना है उन्होंने पहले तो विवादित पोस्टर बनाया अपनी फिल्म का, उसके बाद जब उन पर FIR दर्ज हो रही है या वो घिर रही हैं, तो अपनी गलती स्वीकार करने की जगह वो और एक नया पोस्टर या एक ट्वीट कर रही हैं, जिसमें माता पार्वती और शिव जी का वेश धारण किए हुए लोगों को स्मोकिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। ये क्या है, क्यों किया जा रहा है, वाकई में कोई एजेंडा चला हुआ है क्या इस समय? देखिए पल्लवी जी, एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। अभी कल ही भारत की स्थिति के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से आज अर्ली मॉर्निंग अमेरिका के एक कोर्ट ने, आप जानते हैं कि वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक काले व्यक्ति की वाइट कलर्ड पुलिस वालों ने पीट पीट करके गला दबा करके हत्या कर दी थी 2020 में। उस मैटर में उसको सजा कम दी गई थी। आज ही वहां की कोर्ट ने अमेरिका की उस जॉर्ज फ्लॉयड के अधिकारों के हनन के लिए उसकी सजा 21 साल की कैद की कर दी है। 21 साल जो कि वहां पे फांसी नहीं है, 21 साल की कैद की सजा, और सजा को कम करने के लिए उसके वकील लड़ते रहे, कोई सुनवाई नहीं किया कोर्ट ने। अब आप ये देखें कि जब कानून सख्त हो, आप देखें फ्रांस में जिस तरह से चार्ली आब्दो के ऑफिस पे हमला करके मैगजीन के सारे लोगों को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से मर्डर कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था, वहां इमीडिएट कार्रवाई हुई, विद इन फ्यू डेज एनकाउंटर करके सबको मारा गया और जो पकड़े गए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और सख्ती से कानून लागू किया गया कि यहाँ कोई बुरका नहीं बनेगा, इस तरह के नियम कॉन्स्टिट्यूशन एक ढंग का पूरे देश के लिए होगा और पक्ष और विपक्ष सब एकजुट थे। लेकिन अब हमारे देश में देखिए, अभी मुन्ना खान जी कह रहे थे कि इस पे रोक लगाने का क्या, तो उन्होंने ध्यान से इस चीजों को बैकग्राउंड इसका स्टडी नहीं किया है। इन चीजों पर रोक लगाने का काम और अधिकार केंद्र सरकार का है जो अभी मोदी गवर्नमेंट सेंटर में। आपको याद होगा मुन्ना खान जी कि इसी गवर्नमेंट ने जब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप इनको भारत सरकार के संविधान के तहत काम करने के लिए, कानूनों के तहत काम करने के लिए कार्रवाई शुरू की, तो आपके माननीय राहुल गांधी जी और तमाम लोगों ने, प्रवक्ताओं ने कहा कि ये तो गला घोटने की तैयारी कर रही सोशल मीडिया की। आज आप देखें कि इसी कानूनों का उपयोग करके जितने लोग उदयपुर के कांड के, अमरावती के कांड के, तमाम जगहों के लोग हैं, उनके व्हाट्सएप चैट, उनके व्हाट्सएप की बातचीत, सारी चीजें जैसे जैसे सरकार मांगती है तुरंत उनको उपलब्ध कराया जाता है। नहीं तो ये लोग कहते थे प्राइवेसी के नाम पे, क्योंकि इनके सर्वर अमेरिका में काम करते हैं, यहाँ तो कोई अधिकारी नहीं है जिसको आप क्यों करें, अमेरिका में उनके अधिकारियों को नोटिस दीजिए, वो कहते हैं कि अमेरिका के कोर्ट में आके हियरिंग करिए। बिजनेस करते हैं भारत में, अरबों डॉलर का बिजनेस यहाँ से कर रहे हैं सोशल मीडिया के सारे, इनको कई लोग जैसे फेसबुक को इंटरमीडियरी का दर्जा मिला है, व्हाट्सएप और ये लोग सारे प्लेटफॉर्म सारे भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, धर्मों के खिलाफ चीजों का उपयोग करते थे। लेकिन इनपे कोई भी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कानूनी व्यवस्था नहीं थी। जब उनको उस व्यवस्था में दायरे में लाने की बात होने लगी, तो जहां सत्ता पक्ष विपक्ष एकजुट होकर देश के तौर पर खड़े होने चाहिए था, वहां पर विपक्ष उस पर ही राजनीति कर रहा था। वो तो इस सरकार को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने सख्त की और वो धीरे धीरे करके सारे लोग जो है फॉलन इन लाइन। और आप देखें कोर्ट ने भी कई बार इतना अड़ंगा डाला है बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से, लेकिन अभी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ नूपुर शर्मा के मामले में टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हुई, उनकी निंदा हुई, उनकी आलोचना हुई, तो स्वयं जज साहब ने बेंच के कहा कि सोशल मीडिया के इस दुरुपयोग पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। तो दर्द तभी होता है, कहते हैं ना कि ओनली द बियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जब देश के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ उसका दुरुपयोग होता है, तो देश को एक होकर कहना चाहिए कि नहीं, इस पे कहीं न कहीं नियंत्रण इस ढंग का होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। आज देखिए क्या हो रहा है, एक कनाडियन फिल्म निर्माता और उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन आज बच्चे बच्चे की जुबान पे नाम क्यों आ गया, एक गलत काम करने से, और उस पर सख्ती करने के लिए या कानून का उपयोग करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कैनेडियन हाई कमीशन को बुला के बोला, वहां पे विरोध किया कनाडा में, तो कनाडा की सरकार के लिए कान खड़े हुए मदद करने के लिए वो खड़ी हो रही है। लेकिन हमारे देश में एक स्वर चल रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, भगवान शंकर काली दोनों सिगरेट पी रहे हैं, क्या दिक्कत है,
भारत में तो हर तरह की मान्यता है, इस तरह की बेहूदगी वाली बातें। और आप देखें सत्ताधारी वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सांसद ने किया, लेकिन उनके खिलाफ आज तक टीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि माँ काली का सबसे अधिक पूजक, सबसे अधिक श्रद्धा लोग करते हैं वेस्ट बंगाल में, उनकी कलकत्ता में किस तरह से पूजा होती है, माँ काली की जो वो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो ममता बनर्जी जी के घर के पीछे बगल में है, लेकिन ममता बनर्जी के काम पे जो नहीं रहेगा, केवल उन्होंने इतना कर दिया उनकी पार्टी ने कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। अरे कैसे व्यक्तिगत विचार है, किसी आस्था पे इस दिन का हमला होता है और आप कोई एक्शन नहीं करते हैं, रूपुर शर्मा पे आप एक्शन की बात करते हैं। तो इस तरह की जब दोगली नीति होगी, दोहरा चरित्र होगा राजनीतिज्ञों का, और लोग एकजुट नहीं होंगे राष्ट्रीय मुद्दों पे, तो इस तरह से मजाक बनता रहेगा हमारी व्यवस्था का। जी मुन्ना खान जी, आप बोले मैं ये कह रहा हूँ। और बात रही ट्विटर हैंडल की, तो ट्विटर ने कल खुद ट्वीट किया है कि हमें कई राजनीतिक दलों को ब्लॉक करने की बार बार धमकियां दी जा रही, बार बार प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो उन चीजों को ब्लॉक किया जा रहा है। उन चीजों को ब्लॉक के लिए कहा गया था कि जब सरकार के खिलाफ, सरकार के काम के खिलाफ, सरकार के वादे के खिलाफ जो ट्वीट हो रहा था जो अन्य दलों के द्वारा, उसे बंद करने के लिए सत्ताधारी सरकार बार बार दबाव बना रही है, एक चीज। दूसरी चीज, हमारे मित्र कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होती, मैं कहता हूं बीजेपी जिंदगी में इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी को इससे मिर्च मसाला मिलता है। बीजेपी के हमारे मित्र ओवैसी है, उसने माता वैष्णो देवी के बारे में क्या नहीं कह दिया, जबकि अभी श्रद्धा का समय, अब यात्रा चल रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नुपुर शर्मा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महेश शर्मा बीजेपी के नेता, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कांग्रेस पार्टी किसी पक्ष में नहीं है कि किसी के आस्था को आप ठेस पहुंचाओ। या हम लोग गंगा जमनी तहजीब के और महात्मा गांधी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, तोरों और जोरों की राजनीति की बात नहीं है। अगर बीजेपी चाहे तो 5 घंटे में कार्रवाई होगी और 5 घंटे में कानून बनेगा, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगा, क्योंकि बीजेपी के ऐसा वोट का ध्रुवीकरण करना है। बीजेपी की मंशा नहीं है कि ये रुके, भगवान के ऊपर टिप्पणी रुके, अल्लाह के ऊपर रुके, खुदा के ऊपर रुके, गॉड के ऊपर रुके, बीजेपी चाहती नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वोट का ध्रुवीकरण रुक जाएगा। जहां भी अभी आप उदयपुर की घटना बता रहे हो, तो उदयपुर का जो घटना, वो लड़का किया कौन है? वो बीजेपी आईटी सेल का एक्टिव सदस्य है। जम्मू कश्मीर आतंकवादी पकड़ा जा रहा कौन है? वो बीजेपी का वो सदस्य है जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा है वो, और अमित शाह जी के पीछे खड़ा है वो। तो मैं ये कहता हूँ बीजेपी की मानसिकता ये नहीं है कि देश में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। मैं बता दूं, जब तक भाईचारा नहीं बना रहेगा ये देश का विकास बहुत ही मुश्किल है, ये भाईचारा बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सारे आरोपों से सहमत हो जाती हूँ। चलिए एक बात बताएं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए तो इतना हंगामा मचा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, आप सड़क ऊपर उतर आए थे, अब काली माता को लेकर इतना बड़ा विवाद हो रहा है, माता पार्वती और ये शिव जी की एक नई फोटो ट्वीट की गई है, महुआ मोइत्रा ने अलग बयान दे दिया है, आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? आइए ना सड़कों पर। अब आपको नहीं लग रहा है कि महुआ मोइत्रा की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? गिरफ्तार करो इन्हें, इन्होंने ऐसे क्यों बोला काली माता के लिए? या ट्विटर से ये फोटो जो लगाई गई थी लीना के द्वारा, इन्हें हटाने के लिए आपने कोई मांग की हो या कोई प्रदर्शन किया हो, अब क्यों चुप हो जाते हैं आप? तब आपको ये लगता है कि आपका कोई अल्पसंख्यक वोट बैंक हाथ से ना निकल जाए? पल्लवी जी, कोई अल्पसंख्यक वोट के चिंते की बात नहीं है, बात अगर श्रद्धा की और आस्था की आएगी तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हर समुदाय के साथ खड़ी है। मैं कहता हूँ किसी से भेदभाव नहीं होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो काली माता को टिप्पणी की, ये बहुत निंदनीय बात है, उनको नहीं करनी चाहिए। किसी भी भगवान के प्रति, अल्लाह खुदा के प्रति अगर कटाक्ष टिप्पणी करते हो तो ये किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, और कांग्रेस पार्टी हर समुदाय के साथ खड़ी है। मैं कहता हूँ बार बार मांग करी, हर डिबेट पे ये बात कहता हूँ कि नहीं, उनपे कार्रवाई होनी चाहिए, उनपे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कार्रवाई करेगा कौन? ये बीजेपी खामोश क्यों बैठी है? ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? चाहे गौश पे कार्रवाई करे, सलीम चिश्ती पे करे, ओबेसी पे करे, उसके भाई पे करे,
नुपुर शर्मा पे करे, चिश्ती पर तो आप ही कर लेते, राजस्थान का है ना वो, तो उस चिश्ती पर तो आपको करनी चाहिए। नहीं अभी भी आपको आपको हर चीज में ये है कि केंद्र सरकार कार्रवाई करे, तो एक काम करते हैं ना, ये राज्य तमाम राज्य सरकारों को भंग कर देते हैं, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, और या फिर ये करते हैं कि सारे के सारे राज्य केंद्र शासित कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की राज्य सरकारें तो हाथ खड़े कर चुकी है कि हमसे अब कुछ ना होगा, ये या तो प्रधानमंत्री आकर अपील कर दे या फिर केंद्र सरकार कार्रवाई करते रहे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आप चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं, इन चीजों को रोक सकते हैं, ये बात मैं भी मानती हूं, लेकिन किस भावना की वजह से ये सारी चीजें होने दी जा रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। और अगर समझ आ भी रहा है तो अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि इस तरह के सच को बाहर लाया जा सके। आए दिन तो मीडिया पर कार्रवाई हो जाती है, किसी के संस्थापक को उठाकर ले जाते हैं, 14-14 दिन के रिमांड पर उसे रख लेते हैं, किसी चैनल के एंकर को उठाकर ले जाते हैं, ये चल रहा है आजकल, तो मीडिया भी अब कुछ नहीं कर सकता। पल्लवी जी, आपने देखा होगा इनके सुप्रीमो राहुल गांधी जी विदेश में जाके, राहुल गांधी हट के अपने मुद्दे पे आओ, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, बीच में ना बोले खान साहब, फिर वो नहीं बोलने देंगे आपको, आप समझिए इस बात को, अगर बीच में बोलेंगे तो फिर दोनों के क्लैशेस होते रहेंगे और बातचीत कुछ नहीं हो पाएगी। नहीं पल्लवी जी, आपके बातों का जवाब दे रही है, हां ठीक है पल्लवी जी, राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या हो तो सुप्रीमो मानो कांग्रेस के, और विदेशी धरती पे जाके और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने, अरे हिंदुस्तान की बात करो मित्र, हमारे भैया हिंदुस्तान की बात करो, अभी आप किसी भाई बंद करो, बंद करो, मैं बीचों नहीं बोलता, नहीं फिर मैं बीचों बोलूंगा डिबेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे फिर बीचों बोलना बहुत तेज आता है, फिर मैं आर्मी की जो गोली निकलती फिर वो निकालता हूँ, इसलिए मेरे बीच में ना बोले, मैं अगर मैं बीच में बोलना शुरू हो गया तो डिबेट फिर कर नहीं पाओगे। मैं बहुत गोली की तो बात करोगे, मैं आर्मी मैन हूँ तो गोली में, गोली में मुझे गोली चलाना सिखाया गया, कर ले तो हम की देश में सांप्रदायिकता की आग भड़कती जा रही है, अब हमने क्या किया क्या नहीं किया इस पर बात करने की बात नहीं है। और राहुल गांधी के बयानों को आप छोड़ दें कैप्टन सिंह, अगर राहुल गांधी के बयान इतने ही इफेक्ट कर रहे होते इस देश को तो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, आपको भी पता है, एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस खत्म, देश से कांग्रेस गायब, और दूसरी तरफ आपको हर डिबेट में राहुल गांधी बीच में चाहिए। आप मुझे बोलने तो दें, मुझे तो आप बोलिए, आप बोलिए, राहुल गांधी के बारे में कोई बात नहीं होगी यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने ही तो आग लगाई है, 23 मई को राहुल गांधी ने 23 मई को इंग्लैंड में जाके जो स्टेटमेंट दिया है उसी के बाद ये आग लगी है, कानपुर की घटना उसी के बाद शुरू हुई है, उसी के बाद जितनी घटना घटी है, तो राहुल ही तो आग लगा रहा है इस देश में, उन्हें क्या जरूरत थी एक भारत की बदनामी इंग्लैंड में जाके करने की, कि भारत में तो पेट्रोल छिड़क दिया गया है, बारूद पे भारत बैठा हुआ है, माचिस लगाने की जरूरत है, सोचिए कितना घटिया शब्द उन्होंने अपने ही अपने देश के प्रति कहा है, इस पे कांग्रेस ने कोई एक शब्द भी पीछे ले जाती हूं, राहुल गांधी का बयान गलत है, चलिए मैं थोड़ा पीछे लेकर जाती हूँ, ये जो ड्रामा चल रहा है ना इस देश में, ये रामनवमी और हनुमान जयंती से चल रहा है, अब आप ये सोच लीजिए कि राहुल गांधी कब गए थे विदेश यात्रा पर, और उसके अलावा हनुमान जयंती और रामनवमी कब थी, ये तब से चला आ रहा है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। और रही बात आग लगाने की, तो नुपुर शर्मा के बयान से भी आग लगी है, तो उस पर भी फिर कुछ कह लें हम तो बेहतर रहेगा, बैलेंस करके बात करते हैं ना कैप्टन सिंह, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करने में। सुने पल्लवी, सुने थोड़ा, हम वही पर आ रहे हैं, आप सुने, बिल्कुल राहुल गांधी ने ये सब शुरू करे, मैं और थोड़ा पीछे ले चलूं आपको, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में सेंट्रल में आई, आते ही माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के हित के बिल इतनी जल्दी पास कराए कि हर दिन दो दो बिल पास होने लगे, कांग्रेस को बहुत बड़ी तकलीफ हुई कि ये तो सारे ही बिल निपटाए दे रहे, जो काम हमने 70 साल में नहीं कर पाए, ये तो जो है ना दूसरे कार्यकाल, बर्दाश्त की हद हो गई, फिर मैं बर्दाश्त ज्यादा नहीं करता हूँ, फिर मैं गाली भी देना जानता हूँ, नहीं डिबेट नहीं हो पाएगी, फिर खान साहब एक तो आप बीच में ना बोले, एक एक करके अपने अपने बारे में बात करेंगे, अब वो मुद्दे से भटके हैं या कुछ भी करें,
ऐसा है कैप्टन सिंह, आप गाली देंगे तो यहाँ कोई इतना आप गांधीवादी नहीं बैठा है कि अपना दूसरा गाल आगे कर देगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मर्यादा हम रख ले सब मनाकर, और खान साहब आप भी बीच में मत बोलिए, उनको उनकी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपका रुख कर लूंगी। आप नहीं बोल पाएंगे, इनको मैं चुनौती देता हूँ, आप बोल के दिखाइए। मैं अपने मुद्दे पर आएंगे, अरे बोल नहीं पाओगे, अपने मुद्दे पर आएंगे क्या? मैं सब बहुत सराफत दिखाता हूँ, अपने मुद्दे पर आएंगे सर, धमकियां ना दे, धमकियां ना दे, और आर्मी वाले इस तरीके से बात ना करें। आप आर्मी कर रहे हैं सर, बड़ा सम्मान करते हैं आर्मी का हम। चलिए धमकियां ना दे, अपने मुद्दे पर आकर बातचीत शुरू कर लेते हैं, बताइए। नहीं नहीं फिर बीच में टोकेंगे, मैंने एक बार टोका इन्हें तो बता दिए, ये बार बार टोका है। जो जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, मुझे मजबूरी में किसी और गेस्ट को करना पड़ेगा सर। आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे कैप्टन सिंह? खान साहब पर हो रही है क्या यहाँ चर्चा? बात ही नहीं समझ रहे, टाइम खराब कर रहे हैं यहाँ बैठकर। कोई बोलने नहीं दूंगा आप किसी को, बोलिए कैसे बोलते हैं, मैं बोलने नहीं दूंगा। या तो मुझे डिबेट से हटा दीजिए, या मैं डिबेट ठीक से नहीं चलने दूंगा। आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं क्या यहाँ पर बैठकर? यही मैंने बोला था कि मीडिया को किस तरीके से परेशान करते हैं आप लोग, यहाँ बैठकर आपको उदाहरण दे रहे हैं साक्षात कि मैं डिबेट नहीं चलने दूंगा। आप बताएंगे मुझे डिबेट कौन चलने देगा और कौन नहीं चलने देगा? धमकी दे रहे हैं आप मुझे यहाँ पर कि मैं डिबेट नहीं चलने दूंगा? हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, मौलाना शफीक अहमद, उनका रुख कर लेते हैं। मौलाना साहब स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही, ठीक है। अहमद साहब, अभी देश में सांप्रदायिकता लगातार बढ़ती जा रही है, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपके कौम के लोगों का जो गुस्सा इस समय सातवें आसमान पर है, और ये मारकाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं, धमकियां देने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इन पर रोकथाम के लिए आप जैसे धर्मगुरु आगे आएंगे अब? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने ऐसा कहा। इस्लाम कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारे इंसानों का कत्ल है, और जिन लोगों ने भी ऐसी घटना की है हम उनकी घोर निंदा करते हैं, और कोई भी इसका सपोर्ट नहीं करता है। और गुस्सा जिस बात पर लोगों का था उसमें सिर्फ और सिर्फ यही था कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो, ना कि किसी का गला काटने की बात थी, ना किसी को मारने की बात थी। जिस बात पर थी वो बात वही है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो सर अब सस्पेंड कर दिया गया है, उसके अलावा जगह जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि सनातन धर्म के ऊपर भी लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है क्या इस पर? या फिर एक धर्म को इतना समझ लिया गया कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ा लचीला सामान लिया है कि हाँ आप कुछ भी कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है? किसी भी धर्म के व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार इस पर एक कानून बनाए, और उस कानून को बना करके जो है तत्काल इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और कड़ा से कड़ा कानून बने ताकि कोई भी किसी धर्म विशेष के बारे में गलत अपशब्द न कह सके जो है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। आपको नहीं लगता सर सबसे पहले तो ये वेब सीरीज बंद करनी चाहिए जिनमें एक ही धर्म विशेष पर लगातार निशाने साधे जाते रहे हों, या फिर अलग अलग गलत चीजें दिखाई जाती रही हों? और फिर सेंसर बोर्ड क्या काम कर रहा है? अब ये बात जो उठ रही है कि वेब सीरीज में देखिए हमारे सनातन धर्म को गलत तरीके से पेश किया गया, तो ये सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था, क्यों नहीं हटाई गई ये आपत्तिजनक सामग्री? पल्लवी जी देखिए, अभी जो मौलाना शफीक अहमद साहब ने बोला बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ उनके संज्ञान के लिए, उनके संज्ञान में अवश्य होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आते हैं आमतौर पर टीवी डिबेट्स में, वो काफी वेल रेड और चीजों को जानकारी रख के आते हैं। आप देखें कि किस तरह से अजमेर से आप खादिम सलमान चश्ती किस तरह से जो मीटिंग की, उस मीटिंग में कहा कि गला काटना है। अगर भारतीय संविधान में विश्वास है तो इतने बड़े दरगाह का कोई इतना बड़ा मौलवी अगर इंसान की बात खुलेआम कहता है कि गला काटना है जो गुस्सा करेगा रसूल के ऊपर, मान लेते हैं कि ये बात ठीक भी हो, मान लेता हूँ एक मिनट सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, मेरी बात बस हो जाए पूरी। सलमान चश्ती मौलवी नहीं है,
और ना वो दरगाह का खादिम है। दो चीज, वो उसकी अपनी पसंद किसी, कोई व्यक्ति अगर अपने नाम के आगे चिश्ती लगा लेने से वो दरगाह का ना खादिम है और दरगाह के सबसे बड़े मौलाना है। मौलाना साहब, सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ, दो बातें बोलिए, उसके बाद अपनी जवाब दीजिए। देखिए, उसने अपने, अगर जैसा आपने कहा क्वालिफाई किया कि उसने अपने नाम के साथ चिश्ती रखा है लेकिन वहाँ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, अगर ये बात भी सही है, या दूसरे खादिम ने जो वहाँ से जो वीडियो जारी किया कि जो गला लाएगा काट कर करके नूपुर शर्मा का, हम उसको अपना मकान दे देंगे, वो अगर उसका भी कोई लगाव या है वहाँ से, तो क्या जो दरगाह शरीफ के लोग थे वहाँ पे पदाधिकारी, उन्होंने इनके खिलाफ कोई एक्शन किया जैसे कि इनका प्रवेश हम निषिद्ध कर देंगे, आगे दरगाह में इनको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये वैमनस्य फैलाने वाले हैं। आप भी जानते हैं, देश के सारे लोग जानते हैं कि वो ऐसी दरगाह है जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोगों से ज्यादा हिंदू जियारत करने जाते हैं और मांगने जाते हैं मन्नते। वहाँ के कुछ लोग ऑफिशियली बोलते हैं, आपने देखा होगा वहाँ के सेक्रेटरी, आप उनको क्या पदाधिकारी नहीं मानेंगे कि हिंदुओं की दुकानों से खरीदारी बंद कर देनी चाहिए। अब आप ये देखें कि जो नहीं सेक्रेटरी साहब ने ऐसा नहीं कहा कि हिंदू के दुकान से खरीदारी नहीं करना चाहिए सर, वो मैंने पूरी क्लिप सुनी है, ऐसी बात नहीं, उन्होंने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। क्या बोला था उन्होंने बताइए? उन्होंने कहा कि जहां सारे दर्शनार्थी यहां से खरीदारी करते हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने दुकान बंद करके नूपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकाला, ये जले पर नमक है, ये उनकी टिप्पणी थी। अच्छा, और उनकी उनका बायकॉट कर देना चाहिए? नहीं, बायकॉट का शब्द उन्होंने नहीं कहा, ऐसी बात नहीं है। अब आप ये देखिए मौलाना साहब, यही दिक्कत है कि जहां पे जब इस ढंग की हिंसा हो रही है और कानून व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम बड़े मौलाना मौलवी लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में हमें पूरी आस्था विश्वास है, होना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसा होने के बाद अगर कोई आपके धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति और इतने बड़े दरगाह और इतनी बड़ी जियारत की जगहों से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस ढंग की बातें भी कहता है पब्लिक में, तो आप बताएं कि पुलिस की कार्रवाई का क्या मायने रह गया? अगर आप पैरेलली एक धार्मिक लेवल पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और साथ में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो आप बताएं कि ये इम्पोर्टेंट है कि वो इम्पोर्टेंट है? अब पुलिस और एनआईए की, देखिए एक बार मौलाना साहब कंप्लीट कर लूं, देखिए एनआईए की फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो बातें आ रही है कि जिस तरह से जिन्होंने अपने नाम में चिश्ती रखा था उन्होंने इस ढंग की बात कही, और जो व्यक्ति जो मर्डरर था जिसने ये खुलेआम गर्दन काट करके कन्हैया की और वीडियो जारी किया, वो उन्हीं से प्रभावित होकर ये काम किया जो अभी प्रिलिमिनरी में आया है और फिर वापस ही भाग के वो अजमेर ही जा रहा था। ये बताएं कि क्या अगर पूरे देश के जो मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े धर्म गुरु हैं ये सामने आकर कहते कि ये बिल्कुल न्याय, देखिए नूपुर शर्मा की बात गलत है आपने कहा एक्सेप्टेड, अब ये जो उसके खिलाफ रिएक्शन हो रहा है ये भी बिल्कुल कंडेमनेबल है और ये गलत है, ये जो भी करता है उसको हम लोग अपने धर्म से निकाल देंगे, हटा देंगे, क्योंकि देखिए टुकड़ों में मौलवी मौलाना सारे लोग कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ इजाजत नहीं इस्लाम में इस ढंग का काम करने का। दूसरा, मेरी बात हो जाए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के आप विश्वास करते हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सारे जो, जबकि भारत का डिवीजन हुआ हिंदू मुसलमान के नाम से, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लाम मानने वाले लोग भारत में बटे हुए भारत में आए, पाकिस्तान में नहीं गए, चाहे मौलाना आजाद हो चाहे जो लोग भी हो, अब वो लोग जब आए तो वो ये इसी बात के साथ आए कि हम भारत के संविधान के साथ हैं और सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहेंगे। ऐसे में जब इस ढंग के रिएक्शन आ रहे हैं और अगर आप लोगों की तरफ से एक यूनिफाइड बयान आता कि ये बिल्कुल गलत है, और जो लोग ऐसे बयान जारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं और ऐसे एक्शन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम इस्लाम से, हम अपने मुस्लिम धर्म समुदाय से कार्रवाई करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि चीजें रुकती? लेकिन वो क्या रहा है कि टुकड़ों में कार्रवाई हुई है सर, आप देखें कार्रवाई हुई है, कार्रवाई इस पर हुई है। सबसे पहले तो मैंने बयान दिया था कि इनके फांसी होने के बाद भी जिन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की उनको तत्काल फांसी दी जाए और फांसी देने के बाद भी उन्हें भारत के जमीन पर दफन न किया जाए। और अभी आला हजरत के बरेली शरीफ से बड़ा आया है कि ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उलमा मशायख बोर्ड की चौचा शरीफ ने यही लिखा है कि हम ऐसे लोगों का ना समर्थन करते हैं ना इस्लाम में इनकी कोई जगह है। आप देखिए तो स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। नहीं, वो अपने बयान से अलग तो कर देते हैं सर, लेकिन कार्रवाई अलग चीज होती है ना, यही तो बात कह रहे हैं दीक्षित साहब।
कि आप बोलिए कि हम इन्हें अपने धर्म से अलग करते हैं या फिर दरगाह में आप इनका प्रवेश प्रतिबंधित है, इस तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सनातन धर्म के लिए भी है। अगर हम इधर से कोई गलत बयानबाजी हो रही है तो बड़ी और ठोस कार्रवाई अभी देखने को नहीं मिल रही, और उसी का नतीजा ये इस समय हमारे देश में फैल रही असंतोष की आग है, जो दिख रहा है साफ तौर पर कि किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। ठोस कार्रवाइयों की अब जरूरत है। चलिए मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से लौटूंगी। मैं लौटती हूँ दीक्षित जी, नए मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राहुल जी स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, नमस्ते जी। राहुल आनंद जी, ये तमाम जो चीजें इस समय देश में चल रही हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली, आप चाहे तो ये सब रोक सकते हैं, आपसे मेरा मतलब आपकी सरकार से है, केंद्र सरकार से है, लेकिन नहीं रोकी जा रही है, इन्हें होने दिया जा रहा है, ये बयानबाजी बढ़ने दी जा रही है, सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, ये क्या दर्शा रहा है, किस भावना के साथ होने दिया जा रहा है ये सब, कौन सी नीति पर काम कर रही है मोदी सरकार? देखिए पल्लवी जी, सबसे पहली बात ये है, ये जो हमारे देश के अंदर जो अभी की सबसे बड़ी समस्या है, जो धार्मिक को लेकर जो बयानबाजियां चल रही हैं, और खास करके जो वो लोग जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़े हुए होते हुए भी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पहले भी कुछ दिन पहले आपके साथ जब मैं डिबेट में बैठा था तो कांग्रेस की एक नेत्री भी बैठी थी, जो मैं बातों को कर रहा था तो मैंने उसको कहा भी था कि 100 को 9 पर ले जाए, 9 को 100 पर ले जाए, आपकी समझ पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के अंदर धार्मिक को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, ये जब नुपुर शर्मा ने एक बयान किया था जिसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से दी गई, और ये नहीं, जिसने उनको ताया था उसके ऊपर कोई किसी ने नहीं की, ये हमारे यहाँ जो दो तरफा बयान जो चलता है ये रोकना चाहिए, और केंद्र सरकार जल्दी ही इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक कानून लाने वाली है जिसके तहत कोई धार्मिक बयानबाजी पर रोक लगाई जाए, जल्दी ही हम सब उस कानून से भी अवगत होंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे अहम बात यह है कि जब अल्पसंख्यक जो कि है नहीं, जो बनते हैं उनके ऊपर अगर कोई बयानबाजी होती है तो कतर देश के मुस्लिम धर्म गुरु तक सारे लोग एक पांव पे खड़े होते हैं, यहाँ तक कि विपक्ष खड़ा हो जाता है, लेकिन वही जब हिंदू धर्म के आस्था पे जब चोट लगती है, उनका जब सीना खली किया जाता है, उस वक्त यही लोग खामोश रहते हैं और चुपचाप धार्मिक उन्माद का नंगा नाच देते हैं। किसी ने इसके ऊपर नहीं करनी उचित समझी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जिस जिम्मेदारी जरूरत सरकार की, तभी मैं आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ कि सरकार जरूर इसके ऊपर कानून बनाने जा रही है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि देश के मुसलमानों को, अभी थोड़े पहले मैं सुन रहा था कुछ लोग ये कह रहे थे, जो मेहमान आपके साथ जुड़े हैं वो कह रहे थे कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय जो मुस्लिम हमारे देश में रहे वो संविधान को मानते हुए करे, बिल्कुल सही बात, लेकिन 1982 ये जो कभी कभी धार्मिक गुरुओं का जो बयान आता रहता है और जो कटाव किए जाते हैं देश के अंदर, ये बड़ा दुखदायी है, और आने वाले समय में धर्म निरपेक्षता और सेक्युलरिज्म शब्द आने वाले समय के लिए नुकसान पैदा कर रहा है। सारे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आग्रह करता हूँ कि यूपी का भी दर्शन करना चाहिए। यूपी में जिस प्रकार से मुसलमान रह रहे हैं और अपने घर के सामने एक अच्छा बोर्ड लगाते हैं और जिसमें ये लिखते हैं इंदिरा आवास के तहत हमें ये घर बनाने को मिला, हम ऐसा उदाहरण धर्म पे क्यों नहीं दे सकते हैं? धर्म पे कटाक्ष करना चाहिए, जरूरी है किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना, इसलिए इससे कड़ी निंदा और कठोरतम कार्रवाई करते हुए अभी कुछ दिन पहले शिव और पार्वती का भी फोटो वायरल हो रहा था, इस प्रकार से कृत्य नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की आस्था में और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुन्ना खान जी, आपको कहा जा रहा है कि जरा उत्तर प्रदेश का दर्शन करके आइए। नहीं नहीं, दर्शन तो हम पूरे हिंदुस्तान का करेंगे, बात पूरे हिंदुस्तान की हो रही है। जो हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि कानून लाना है, तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर क्यों है? देर क्यों है? जब ये आपसी भाईचारा स्वार्थ बिगड़ रहा है, एक दूसरे पे छिटाकसी हो रही है, टिका टिप्पणी हो रही है,
तो मैं मित्र से कहना चाहता हूँ कि इतनी देरी क्यों कर रही है सरकार, ये तो कानून लाके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है पल्लवी जी, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, रामायण हो, कहीं नहीं लिखा कि आप किसी भी धर्म पे छीटा कसी करो, किसी भी धर्म की अवहेलना करो या किसी के आप आस्था को आप ठेस पहुंचाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैं समझता हूँ इन बातों से बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए, और जो लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की हरकत करते हैं, मैं समझता हूँ सख्त से सख्त सजा देने का काम सरकार करे। सरकार को रोका किसने? सरकार की फुल मेजोरिटी है, सरकार चाहे तो सख्ती से निपट सकती है, लेकिन सरकार के मंशा पे कौन सी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की भी कोई जिम्मेदारी है? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। आप इतना बुरा ना माने सर, आप तो बहुत कम राज्यों में, उससे ज्यादा राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी है, ज्यादा बुरा मानना चाहिए। तो राज्य सरकारों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं, या सिर्फ केंद्र सरकार की है? नहीं नहीं, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है पल्लवी जी। राजस्थान में आपको जिम्मेदारी दिखी कैसे? तीन चार घंटे में एक हत्या होने के बाद दिखी जिम्मेदारी, एक हत्या होने के बाद दिखी जिम्मेदारी सर, दिख गई जिम्मेदारी राजस्थान की आप बात कर रहे हैं ना, एक हत्या और पिछले 3 महीनों में 3 दंगे, ये दिख रही है हमें जिम्मेदारी वहाँ? नहीं, जो चीज मैं कह रहा हूँ, दंगे हो रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है, अगर हत्या हुई तो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई में देरी। अरे ये कार्रवाइयाँ किस काम की जब आप उस अपराध को रोक ही नहीं पा रहे हैं? बार बार बात तो यही हो रही है ना कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, गिरफ्तारियां करके क्या हो गया सर? 3 महीनों में 3 दंगे और तीनों की तीनों दंगे धार्मिक भावनाओं को लेकर, और उसके बाद एक हत्या, वो भी दिन दहाड़े। पल्लवी जी, जब मैं कह रहा हूँ देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई करें, नुपुर शर्मा की वजह से स्वार्थ बिक रहा है, तो ये बीजेपी सरकार क्यों सोई हुई है? ये कानून लाने लिए उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, जो मामला शांत हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ 1 से 1.5 महीने हो गए, नुपुर शर्मा कहाँ है? चलिए, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई बनती है, मैं खुद कह रही हूँ, क्या महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई बनती है, क्या उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए? या जिनकी डिबेट चल रही थी नुपुर शर्मा के साथ और उन्होंने शिवलिंग को लेकर जो कुछ भी कहा, उन पर कार्रवाई बनती है, ये भी बताएं। कह दीजिए, अब मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक, बोल दीजिए। मैं आ रही हूँ राहुल जी, मैं सुन तो लूँ, अभी तक तो खान साहब को पूरी आवाज पहुंच रही थी, लेकिन अब नहीं पहुंचेगी जैसे ही मैंने पूछ लिया। हाँ तो देना जवाब फिर, नुपुर शर्मा की जिनके साथ डिबेट हो रही थी और उन्होंने शिवलिंग को लेकर जो कुछ भी कहा, क्या उन पर कार्रवाई बनती है या नहीं? बिल्कुल बनती है, मैं कहता हूँ शिवलिंग पे किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, जब मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तो किसी को भी टिकट टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जो जिन्होंने बोला है उन पर भी कार्रवाई हो। ये नहीं कि नुपुर शर्मा की एक तरफे वाली बात नहीं कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी हर उस आदमी के साथ खड़ा है कि जो टिकट टिप्पणी नहीं करता हो, जो आपसी स्वार्थ की बात करता हो, भाईचारे की बात करता हो, कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है जो स्वार्थ बिगाड़ने का काम करे, जो किसी भगवान खुदा अल्लाह गॉड के खिलाफ टिकट टिप्पणी करे, उसके साथ कतई नहीं खड़ी है। मैं कहता हूँ कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो रही है तो शिवलिंग वाले पे भी कार्रवाई हो, राहुल आनंद जी, मोइली मुत्रा पे भी कार्रवाई हो, किसी भी भगवान को किसी के जाने का किसी का अधिकार नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहती है कि आपसे स्वार्थ बना रहे, आपका अधिकार नहीं है किसी के भगवान के प्रति, किसी का आ रही हूँ मैं खान साहब वापस, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, सुन लीजिए राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, खान साहब सुन लीजिए, बताइए आनंद साहब। पल्लवी जी, मैं खान साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी, दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को तो नसीहत दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी की उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कैसे कैसे प्रतिक्रिया आए, वो कहाँ तक उचित है कि उन्होंने ये टिप्पणी किया? दूसरी कि जहाँ धर्म की बात होती है, तो जब हमारा धर्म विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो कहता है, तो आपका धर्म लोगों के हाथ से पत्थर और पेट्रोल बम क्यों देता है, आपको उकसाया क्यों जाता है? जो 1300 साल पुराना धर्म है और जो 5000 साल पुराना धर्म है, दोनों की अपच बात अगर हम करें, तो आपके धर्म में मस्जिदों से पत्थर और लाठियां और तलवारें क्यों निकलती है?
इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे और, और बिल्कुल मुझे एक बात ये भी बताइए कि जो आज जो दृश्य देखने को मिलते हैं उस दृश्य से आप कहाँ तक सहमत हैं? चलिए जवाब दे लेते हैं। जब हिंदू मंदिर से निकलता है तो उसके हाथों में आला और प्रसाद होता है, जब वही मुस्लिम मस्जिदों से निकलता है तो उसके हाथों में तलवार कटवा और पत्थर होती है। ये कहाँ जा रहा है देश, ये कहाँ जा रहे हैं आप? ये खुली चर्चा और खुली बहस इसलिए आवश्यक है कि अगर आपको आपके धर्म में कुछ कमियां हैं तो उसको हमको दूर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राहुल जी, जवाब ले लेते हैं खान साहब से। बताइए खान साहब। मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी के पास सबूत है कि मस्जिदों में पेट्रोल बम और ये हथियार निकलती है। नहीं, गलत बात ना बोले, डिबेट के अंदर गलत बात ना बोले, सबूत तो है के साथ बोले। जमा मस्जिद में देखने को मिला, दिल्ली में जमा मस्जिद में देखने को मिला, बिल्कुल मीडिया ने देखा, सबने देखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके पास क्लिप है? आप ये तो आपके पास क्लिप है? आप उस बात पे बात करते हैं जो लोकतंत्र का चौथा अवतम है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, चर्चा करता है, आपके पास क्लिप है? जमा मस्जिद के अंदर पेट्रोल पंप मिले और हथियारे मिले, आपके पास क्लिप है? जनता के बीच में नहीं, नहीं, जनता के बीच में बैठ के डिबेट पे ये झूठ परोसने का काम न करे। या मैं आपको साथ दे दूंगा, ये भाईचारा कायम हो ऐसी बात करे खान साहब, यही नहीं और ये गलत बात न करे। अगर आपके राजस्थान, मैं बता रहा हूँ खान साहब, राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने क्या कर रखा है, कितने दंगे हो गए, यूपी में क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं? अरे यूपी में कहाँ दंगे हो रहे हैं, कल भी हत्याएं हो गई मंदिर में, नहीं कल भी मंदिर में हत्या हो गई, शासन दोनों ही सख्त है, नहीं कल भी मंदिर में हत्या हो गई। दुकान अध्यक्ष जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं खान साहब, राहुल जी एक एक करके बात करते हैं। इंदुकांत जी, मैं ले लेती हूँ आपका जवाब, थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे इंदुकांत जी से सवाल लेना, उसके बाद मैं फिर आप ही का जवाब लेने आऊंगी। दीक्षित साहब, क्या नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, देश में एकदम शांति आ जाएगी नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होते हुए? और उसके अलावा गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, ये सब हो जाएगा लेकिन बस नूपुर शर्मा गिरफ्तार हो जाए? पल्लवी जी, आपकी चर्चा बहुत अच्छी और स्वस्थ है और विषय भी बहुत अच्छा है। देखें, मैं खास तौर से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना शफीक अहमद मुजाहिदीन का, उन्होंने इतनी समझदारी की और अच्छी बातें की। हमें लगता है कि जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू, अगर इस ढंग की के विचार रखें, इस ढंग की बातें करें तो समाज में एक भी पत्थर नहीं चलेगा, कोई वैमनस्य नहीं रह जाएगा। उन्होंने जो बातें कही कि उन्होंने निंदा किया, खान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर तस्लीम रहमानी पर भी होनी चाहिए। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्हें कोई बचाव नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देखिए शर्मिंदगी क्या है खान साहब और मौलाना शफीक अहमद साहब से मैं कहना चाहूंगा कि बेशर्मी के साथ तस्लीम रहमानी जो है टीवी चैनल्स में आने लग गए, किसी ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। एक तो उन टीवी चैनल वालों को भी शर्म आनी चाहिए। मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ पल्लवी जी कि ऐसे आरोपी को आप कैसे दोबारा चैनल पर लाते हैं, जिस नूपुर शर्मा के बारे में इस जंग के कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसी नूपुर शर्मा पे इतनी कार्रवाई की बात हो रही है, कार्रवाई भी चल रही है, पूरी दुनिया में इस बात को उठाया गया। आज उसको प्रवोक करने वाला और उस समय भगवान शिव के बारे में अनाप शनाप, कृष्ण के बारे में अनाप शनाप बोलने वाला रहमानी आज टीवी चैनल पे आ रहे हैं। लेकिन मैं खान साहब और मौलाना शफीक अहमद साहब से ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो तस्लीम रहमानी ने बयानबाजी किया था उस मामले का संज्ञान लेते हुए, या इस तरह के जो लोग भी करते हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने किया था 2-3 साल पहले कि 15 मिनट के लिए हमें छोड़ दे और पुलिस हटा ले तो मैं बता दूंगा कि कौन भारी है कौन हल्का है, इन लोगों के खिलाफ, एक मिनट, उन लोगों के खिलाफ भी पब्लिक में आप इनको निंदा करिए और अपनी कौम से बाहर करिए। देखिए, खास तौर से जो कौमें अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था रखती हैं, बहुत दृढ़ रहती हैं, वहां पे धार्मिक अनुशासन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हम जहां तक समझते हैं मौलाना शफीक अहमद साहब समझे सहमत होंगे। तो तस्लीम रहमानी और इस जंग के जो असदुद्दीन ओवैसी के बयान आते हैं, उनके भाई के बयान आते हैं, भड़काने वाले, देश को तोड़ने वाले, उनपे भी आप लोग क्या कार्रवाई करें धार्मिक तौर पे? ये अगर आए तो मैं निश्चित तौर पे बताता हूँ कि इस देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है वो न सिर्फ पुष्ट होगी, देश से सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तस्लीम रहमानी के बारे में और इस तरह का विवादित बयान देने वाले जितने लोग, जैसे आप देखिए मोहम्मद फिदा हुसैन था,
उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी, किसकी, पार्वती की नंगी तस्वीरें बनाई, क्या उनको मुस्लिम धर्म से निकालने की कार्रवाई की गई? क्या मुस्लिम धर्म के लोग खड़े हुए हिंदुओं के साथ? ये निहायत ही अत्याचार वाली बात है। आज अगर ऐसी बात होने लगे मुस्लिम समुदाय से, धर्म के लोगों से, धर्म गुरुओं से, तो मैं बताऊं आपको शफीक साहब कि इस देश में हिंदू जैसा सहिष्णु, आप जानते हैं कि पूरे दुनिया के धर्म के लोग आके यहाँ पले बढ़े और पुष्पित पल्लवित हुए, सबको यहाँ जगह मिली, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुस्लिम समुदाय हो, मुगलों को तक को भी महान अकबर जो है शासक कहा गया भारत में। किसी भी दुनिया में तो महान नहीं कहा जाता है, सिकंदर को महान कहा गया, लेकिन इस पे कार्रवाई आपकी तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से होना चाहिए। जैसा शफीक साहब ने कहा, हम तो इनको बहुत आदर से आज देख रहे हैं, जिन्होंने जिस तरह की बातें कही कि नहीं ये निंदा करते हैं और वो चिश्ती के बयान की भी निंदा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि शफीक इस बात से बोले कि तस्लीम रहमानी पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया आज तक। शफीक साहब जी, तस्लीम रहमानी साहब के इस बयान को मैंने नहीं सुना था। अगर उन्होंने ऐसा धर्म के प्रति कहा है तो बिल्कुल इस्लाम धर्म इस बात की इजाजत कभी नहीं देता कि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया जाए या उनके व्यक्ति विशेष या महापुरुषों के खिलाफ बोला जाए। अगर तस्लीम रहमानी साहब ने ऐसा कहा है तो ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। जैसे दूसरों पर कार्रवाई, वैसे तस्लीम रहमानी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। खान साहब, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे मित्र बार बार अभी कह रहे हैं, हमारे जो हिंदुकान दीक्षित जी है, कि ओबीसी पे कार्रवाई नहीं होता। मैं कहता हूँ ओबीसी पे कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी का मित्र है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, मैं सत्य की बात बता रहा हूँ। बीजेपी को मिर्च मसाला देने का काम ओबीसी करता है। ओबीसी ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होनी। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बीजेपी की मंशा है कि वो रहे और सही सलामत रहे, उसमें हाथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनकी इनको वोटों की रोटियां सेकनी है, इनको वोटों का ध्रुवीकरण करना है। मैं कहता हूँ कि समाज के अंदर, देश के अंदर, आस्था के अंदर, भगवान के अंदर, खुदा के अंदर, अल्लाह के अंदर, अल्लाह के साथ, भगवान के साथ कोई भी आबादी चिट्ठी करने की कोशिश करता है, मैं कहता हूँ सीधी कार्रवाई करो, ताकि आने वाला जो भी पीढ़ी हो या आने वाला कोई भी टीवी न्यूज चैनल पे बैठने वाला प्रवक्ता हो, उनको एक नसीहत जाए कि नहीं, सरकार जाग चुकी है और ये सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत सख्ती कर रही है। आज एक आम सी बात हो गई है, एक लाइन और रातों रात हीरो बन जाओ। सरकार को इनको जीरो बनाना चाहिए। खान साहब सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं दुकान जी, आप इसे कहना चाह रहे हैं, सुनिए सुनिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। खान साहब से मैं सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा, तमाम आरोप लगते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन देखिए खान साहब, आपके संज्ञान में देखिए कि आपकी शिवसेना की एनसीपी की ज्वाइंट गठबंधन सरकार वहाँ पे महाराष्ट्र में थी, और अभी राज्यसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का वोट तो मांगने आप ही लोग गए, बीजेपी तो नहीं गई, न बीजेपी ने उन्होंने दिया, ये रिकॉर्ड पे है, ये उन्होंने वोट भी किया। आप बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, वोट से बाहर रहा वो, उन्होंने वोट नहीं किया। अभी नहीं, विश्वास मत में नहीं, राज्यसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में आपके गठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी का वोट मांगा, उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था कि हम एमवीए को अपना समर्थन दे रहे हैं। विश्वास मत में नहीं, राज्यसभा चुनाव में। जी 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 जी। एनडीए और बीजेपी, बीजेपी ने नहीं, आपके गठबंधन को दिया। नहीं, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए खान साहब, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। चले खान साहब डिनाई कर रहे हैं उस बात को, अब ये तो देखने वाली बात है ना सर, कि कौन शह दे रहा है असदुद्दीन ओवैसी को, आप दे रहे हैं कि एनडीए दे रही है। खैर, अभी समय की कमी है, आप चारों ही मेहमानों को शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।